हेलो दोस्तों, आज मैं आलू साबूदाना और मूंगफली का एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। व्रत वाला रेसिपी है, आप लोग इसे बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, आलू उबालने के लिए रख देंगे। आलू आप अपने आवश्यकता के अनुसार उबाल लीजिएगा, जितनी ज़रूरत हो। चलिए यहाँ सीटी लग गया है। अब आगे क्या करेंगे, सीटी लगने के बाद आलू को नीचे उतार लेंगे, यानी कुकर को नीचे उतार लेंगे, और उतारने के बाद चेक करेंगे कि आलू पक गया है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, पक के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब चलिए आलू को क्या करेंगे, निकालेंगे, थोड़ा देर ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद एक एक आलू करके हम सारे आलू को यहाँ पे निकाल लेंगे। चलिए ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमने सारा आलू को उबालने के बाद निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, अभी भी ये गर्म है, अब गर्म है तो क्या कर सकते हैं, बनाना तो है ही, तो क्या करेंगे, इसके सारे छिलके उतार देंगे, एक एक करके सब छिलके को साफ कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब साफ करने के बाद क्या करेंगे, ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से। अब यहाँ क्या करेंगे, एक कटोरी ले लेंगे। कटोरी लेने के बाद यहाँ पे साबुदाना थोड़ा सा भिगोने के लिए रख देंगे। आप एक दो घंटा में इसे भिगो सकते हैं, अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो चलिए हमने इधर साबुदाना भिगोने के लिए रख दिया है। तब तक क्या करते हैं, गैस ऑन करने के बाद उस पर एक फ्राई पैन रख देंगे। उसमें क्या करेंगे, मूंगफली डाल देंगे। मूंगफली को भी अच्छे से एकदम फ्राई होने देंगे। दम गैस का फ्लेम कम ही रखिएगा, यहाँ पे ज़्यादा नहीं रखना है, नहीं तो ये जलने लगेगा, फिर अंदर कच्चापन ही रह जाएगा। तो चलिए इधर कम फ्लेम पे हमने मूंगफली को भी भून के रेडी कर लिया है। अब इसे नीचे उतार के ठंडा होने के लिए इंतज़ार करते हैं, तब तक दूसरा प्रोसेस कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, सारे आलू को हमने यहाँ पे घिस लेना है, यानी कद्दूकस कर लेना है यहाँ पे। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप कद्दूकस कर लीजिएगा। अब यहाँ पे कद्दूकस करने के बाद क्या करेंगे, मूंगफली को निकाल लेंगे। मूंगफली निकालने के बाद चेक कर लेंगे, ये देखिए पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे छिलके उतर जा रहे हैं, तो हमें छिलके उतार लेने हैं, छिलके यहाँ नहीं रखने हैं। तो हमें यहाँ कॉटन के कपड़ा आप यूज कीजिएगा, या जिस तरीका कपड़े हो आप यूज़ कर सकते हैं। अब उसमें क्या करेंगे, इस तरह से आप बिछा लीजिएगा, उसमें क्या कीजिएगा, मूंगफली डाल लीजिएगा। मूंगफली डालने के बाद इस तरह से ढक के बेलन के सहारे इसे ऐसे चला लीजिएगा, जैसे हम रोटी बेलते हैं, सेम वही प्रोसेस यहाँ करना है। सारे छिलके उतर जाएंगे। अब यहाँ साफ कर लेंगे, छिलके नहीं होने चाहिए। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल साफ, एक भी छिलका नहीं है यहाँ पे। अब क्या करते हैं, इसे एक ग्राइंडर जार में डाल देंगे, एक बार ग्राइंड कर लेंगे इसे। चलिए अब आगे क्या करते हैं, यहाँ पे हमने तीन हरी हरी मिर्च लिया है, थोड़ा चटपटा बनाने के लिए, तीखा बनाने के लिए, उतना भी तीखा हम नहीं बनाएंगे। तो चलिए मिर्ची को भी बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है हमने। अब आगे क्या करेंगे, मिर्ची को अब एक दूसरे बर्तन में, यानी एक कटोरी में निकाल के इसे साइड कर लेंगे। साइड करने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम थोड़े से धनिया पत्ता का भी यूज करेंगे। चलिए इसे भी बिल्कुल बारीक बारीक काट लेते हैं, काट के चलिए इसे भी उठा के दूसरे बर्तन में रख देंगे। रखने के बाद अब आगे का प्रोसेस क्या करेंगे, हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ क्या करते हैं दोस्तों, हमने जो आलू कद्दूकस करके रखा था, अब उसमें क्या करेंगे, मूंगफली डाल लेंगे। मूंगफली डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, धनिया पत्ता डाल देंगे, हरी मिर्च डाल लेंगे। डालने के बाद अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, जो साबुदाना हमने भिगो के रखा था ना, वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब उसके साथ सब पानी निकाल देंगे, पानी बिल्कुल नहीं रखना है उसमें। अब क्या करते हैं, सब साबुदाना पानी को क्या करेंगे, हटाने के बाद साबुदाना को आलू में डाल देंगे। अब यहाँ पे हमने ज़्यादा मसाला का यूज नहीं किया है,
हम यहाँ पे जीरा और काली मिर्च और यहाँ पे व्रत वाला नमक का यूज किया है हमने, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए यहाँ पे दिक्कत हो रहा है मिक्स करने में, तो दूसरा बर्तन का यूज किया है हमने, एक प्लेट का यूज किया ताकि प्लेट में अच्छे से मिक्स हो जाए, सारे चीज को अच्छे से एकदम मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला, नमक, मिर्च, धनिया पत्ता सब एक दूसरे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। चलिए देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से मिक्स हो गया है। फिर से हमने उसी कटोरी में डाल दिया है जिसमें दिक्कत हो रहा था बनाने, मैश करने में। तो चलिए आगे क्या करते हैं, अभी थोड़ा टाइम के लिए इसे ढकते हैं। ढकने के बाद अब क्या करेंगे, इधर गैस ऑन कर लेंगे, उस पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख देंगे। फिर हमने यहाँ पे सरसों तेल का यूज किया है, आप चाहे तो घी का, बटर का, जिस जो भी आप खाते हैं उसका आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए तेल उधर गर्म हो रहा है, तब तक इधर क्या करते हैं, छोटी छोटी बॉल्स टाइप पे बना लेंगे। आप चाहें तो टिक्की का शेप भी दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, पर हमने यहाँ छोटे छोटे बॉल्स टाइप पे यूज किया। चलिए एक एक बॉल करके हम अंदर डाल देंगे तेल के अंदर ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। चलिए इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पलट दिया है, पलटने के बाद बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बना था। इस तरह से थोड़ा सा यहाँ फैल गया था, पर कोई बात नहीं, फैला था कि सिर्फ आलू और साबूदाना है इसलिए, पर यकीन मानिए बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बना है। वीडियो पे पहली बार आए हैं, मेरे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।